इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वेरिएबल पैटर्न। पिछली लेक्चर में हमने सीखा था टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न 2 और टेबल ड्रिवन पैटर्न 1 को डिलीट करें। एस टू ऑल, हमने जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इंसर्ट किया था उसे भी डिलीट करें। अब हम यहाँ पर वेरिएबल पैटर्न सीखेंगे। इसे नॉर्मल व्यू कीजिए। एडिट स्केच, इसमें हम डायमेंशन का नेम इनपुट करेंगे। वर्टिकल डायमेंशन, ओके। इसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ओके। और इसे डाया, ओके। फ्यूचर्स पे क्लिक करें, लीनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और वेरिएबल पैटर्न पे क्लिक करें। फ्यूचर्स टू पैटर्न वाले बॉक्स में क्लिक करें और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए वो फ्यूचर्स जो फ्यूचर्स आप पैटर्न करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कट एक्सट्रूड टू। तो देखिए यहाँ पे सारे डायमेंशन शो कर रहा है। ये सारे डायमेंशन हम इंसर्ट करेंगे पैटर्न टेबल में। तो चलिए पैटर्न टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट पैटर्न टेबल पे क्लिक करें, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए डायमेंशन। तो हम पहले वर्टिकल डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और फिर हम डाया सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे डायमेंशन इंसर्ट हो गया। पैटर्न टेबल में रो इंसर्ट करना है तो यहाँ से ऐड इंस्टेंसेस पे क्लिक करें। जितना आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसर्ट करें। अब हम यहाँ पे डायमेंशन चेंज करेंगे। तो वर्टिकल डायमेंशन इसे हम 20 mm एंटर करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसे भी हम 20 mm एंटर करेंगे और ये डाया 7 mm एंटर। दूसरा हम वर्टिकल डायमेंशन 30 mm एंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसे भी 30 mm एंटर करेंगे और डाया 8 mm एंटर। तीसरा वर्टिकल डायमेंशन 40 mm एंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 40 mm एंटर करेंगे और डाया 9 mm एंटर करेंगे। चौथा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 50 mm एंटर करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 50 mm एंटर करेंगे और डाया 10 mm एंटर करेंगे। पांचवा वर्टिकल डायमेंशन 60 mm एंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 60 mm एंटर करेंगे और डाया 11 mm एंटर करेंगे और इसे अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है।
कि वेरिएबल पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ओके कीजिए और ओके करें तो ये देखिए वेरिएबल पैटर्न अप्लाई हो गया। वेरिएबल पैटर्न वन पे राइट क्लिक करें, एडिट फीचर और एडिट पैटर्न टेबल, और यहाँ से आप एक्सेल फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से डायमेंशन टाइप कर रखा हो तो, और फिर एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आप इसे एक्सेल फाइल में सेव भी कर सकते हैं। हमने जो फिल पैटर्न किया उसमें से किसी इंस्टेंसेस को स्किप करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करें और ओके कीजिए और ओके करें तो ये देखिए सेलेक्टेड इंस्टेंसेस रिमूव हो गया। राइट क्लिक करें, एडिट फीचर, एडिट पैटर्न टेबल और इसे अनटिक कीजिए, अपडेट प्रीव्यू ओके और ओके करें तो ये देखिए वेरिएबल पैटर्न अप्लाई हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।